नमस्कार, आप देख रहे हैं अदिति न्यूज। बड़ी खबर मिल रही है नरसिंहपुर जिले के तेंदुलकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। 10 वर्ष की मासूम बच्ची की अपहरण की कोशिश नाकाम, राहगीरों ने बचाया बच्ची को अगवा होने से। अपहरण की घटना को लेकर आम जनता में आक्रोश की भावना व्याप्त। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बच्ची घर से कुछ दूरी टोला पर दूध लेने निकली थी, जबी अपहरणकर्ताओं ने उसको पकड़ लिया और मुंह दबाकर पैर बंद करके उसको बोरे में भरने की कोशिश की, तभी राहगीरों ने उसे जाकर बचाया। जी हाँ, आप देख रहे हैं नरसिंहपुर जिले के तेंदुकड़ा से, जहाँ एक मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश नाकाम हुई है। इस पूरे मामले में बच्ची के पिता तथा पीड़िता का क्या कहना है, आप सुनिए। क्या नाम है? राजेश वर्मी। क्या घटना हुई थी बालिका के साथ? जे मेरी बच्ची दूध लेने के लिए गई, वहाँ से लौट रही थी। कौन सा स्थान था वो? जे यहाँ पे लिया टोला स्कूल के आगे रास्ता है। जी जी, वहाँ पे पकड़ लिया था। क्या बोरी में डाल लिया था उन्होंने? हाँ, बोरी में पैर पकड़ा और मुंह दबाया और बोरी में पटक लिया। तो फिर बच्ची किसने छुड़ाया? फिर वहाँ पे कोई आया था देखने वाला, कोई बाहर हार का था बेचारा, उन्होंने देख लिया तो छुटाया बच्ची को। बच्ची घबरा गया घर में। ये पकड़ने वाली कहाँ की? जो पकड़ाने हैं ये तो वही बताएगा अपन को, कहाँ कहाँ के पकड़ने वाले। बच्ची सुरक्षित है? हाँ, बच्ची तो सुरक्षित है, अभी घबराहट में है, इलाज के लिए भेजा गया। ठीक है सर। अच्छा, तुम्हारा पैर भी पकड़ा था बोले। अच्छा, अंकल कौन? मोहल्ला वाले अंकल। अच्छा, तो फिर वो भाग गया था, पकड़ लिया उसको? नहीं पकड़ पाए। अच्छा, हम पकड़ लेंगे। कितने लोग थे बेटा? ये लोग अकेले था वो। वार्ड नंबर 9 तेंदुलकर के रहने वाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी 10 वर्ष की, जो कि जिसका बदला हुआ नाम प्यार से मेघू बोलते हैं, जिसका बदला हुआ नाम है, और क्योंकि बेटी दूध लेने गई हुई थी और जैसे कुछ देर बाद जब वो वापस रोती हुई घबराई हुई आई तो मम्मी को बताई कि मम्मी कोई अंकल जिसको मैं नाम नहीं जानती हूँ वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के बोरी सीमेंट वाली बोरी के अंदर जो है डाल रहे थे, जिसमें जो है वो घबरा कर आई और कुछ लोगों ने उसको बचाई थी। इसकी वो मम्मी पापा रिपोर्ट करना है, उसके अपराध कायम करके पकड़ लेना है। क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति को आपने अरेस्ट भी किया? नहीं, अभी उसकी तलाश जारी।